नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे मित्रगण बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आपकी तैयारी चल रही होगी। पिछले कई दिनों से प्यारे दोस्त, आप पिछले कई वर्षों से लगे हुए हैं यूपी पुलिस एग्जाम कब होगा कब होगा, आखिर में प्यारे दोस्त वो दिन आ चुका है। जैसा कि अभी तक सभी दोस्तों को इस बात की कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि आखिर में पेपर डेट बढ़ सकती है, क्योंकि ऑफिशियल डाटा जारी हुआ था कि फरवरी में आपके एग्जाम होने हैं, वो भी डाटा जो रिलीज हुआ था 18 फरवरी को। लेकिन प्यारे दोस्त, अभी हाल ही में, अभी कल की तिथि थी 27 जनवरी 2024, तो प्यारे दोस्त उसमें एक विज्ञप्ति जारी हुई है और सीधा यहां पे दे दिया गया है भर्ती का नाम। देखिए, यूपी पुलिस का डेट रिलीज कर दिया है, आपके दो दिन ये पेपर चलेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, ठीक है। प्यारे दोस्त यहां पे कह रहा है लिखित परीक्षा के आयोजकों आयोजन की तिथियां दिनांक 17 फरवरी 2024 एवं 18 फरवरी 2024। तो ये अब आपको डाउट क्लियर कर लेना है प्यारे दोस्त कि आपका एग्जाम 17 फरवरी और 18 फरवरी दो दिनों के भीतर होंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि क्या भाई डेट बढ़ेगी क्या। हाँ जी, बढ़ने की उम्मीद तो थी, लेकिन भाई आयोग ने बढ़ाया नहीं। आयोग को भी भाई प्रेशर है, क्योंकि 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं अभी तक, जो डाटा केवल एक दिन 18 फरवरी को ही कराने का पेपर था, लेकिन प्यारे दोस्त आयोग ने इस पेपर को दो दिन में कंडक्ट करवाने की ऑफिशियल डेटा जारी कर दी है, ठीक है। प्यारे दोस्त याद रखिएगा, 17 फरवरी 2024 और 18 फरवरी 2024, इस दो दिन में आपके एग्जाम हो जाएंगे प्यारे दोस्त, याद रखिएगा सभी प्यारे दोस्त। तो तिथि घोषित हो चुकी है, इस बात को आप लोगों को ख्याल रखना है प्यारे दोस्त। लगा दीजिए जान की बाजी, लगा दीजिए वो अपने इस किरदार को दिखा दीजिए, क्योंकि हमसे फिर दोबारा नहीं होगा इंतजार 5 वर्षों के लिए। तो हम सभी मित्रगण से कहेंगे जितना संघर्ष हो सके प्यारे दोस्त उतना संघर्ष कर देना, ठीक है। और जिंदगी में याद रखना प्यारे दोस्त, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम गए जब आग लगी हो सीने में। तो सभी मित्रगण अपने पिता के फिक्र को फक्र में बदल लीजिए प्यारे दोस्त। चलिए, तो मिलेंगे हम अपने अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।